दोस्तों, मैं हूं लकी और आप देख रहे हैं लकी गैरेज 7201। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज मैं लेके आया हूं टाटा एल्ट्रोज का BS6 मॉडल है ये फेज वन। तो उसका वाइब्रेशन टेस्ट लेके आया हूं आपके सामने। चलिए वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं इस गाड़ी की। यहाँ पे गिलास है, इसमें पानी है, ये आप इससे पता चलेगा कि गिलास में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, वो सब आपको देखने को मिलेंगे इस टाटा एल्ट्रोज में BS6 फेज वन मॉडल में। इस गाड़ी की मॉडल की बात करें तो ये आपको टाटा अल्ट्रोज XT मॉडल है 2022 और ये BS6 फेज वन है। तो अभी ये गाड़ी 20-22 हज़ार किलोमीटर के आसपास चल गई है, तो मैंने सोचा कि इसका इंजन वाइब्रेशन टेस्ट करूं। नया गाड़ी के तो सभी टेस्ट करते हैं, चली हुई गाड़ी की मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और आप लोग को अगर BS6 फेज टू का भी चाहिए तो कमेंट वमेंट कर दे, या जो भी गाड़ी का चाहिए मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। बाकी वीडियो बने रहे, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसका बोनेट ओपन करते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कराते हैं। देखिए बोनेट ओपन हो रहा है गाड़ी का, ऊपर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे इंजन है और यहाँ पे मैं रख के चेक करूंगा। अभी गाड़ी बंद है, स्टार्ट करने बोली थी सामने लाइए। तो जितनी वाइब्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिले, मैं गिलास को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही छोड़ता हूँ गिलास वापस नीचे की तरफ आने लगती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से वाइब्रेट हो रही है गिलास, और पानी देखिए कितने वाइब्रेट कर रहे हैं, नहीं स्टील भी नहीं हो पा रहे हैं वाइब्रेशन। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के इतने वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी वाइब्रेट कर रही है गाड़ी, और पानी आप देख रहे हो कैसे वाइब्रेट हो रही है। और यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पे रखूँ मैं अगर, तो यहाँ पे भी वाइब्रेशन है, यहाँ तो और ज़्यादा वाइब्रेशन है। देखिए कैसे कंपन हो रहे हैं गिलास। और ये बैटरी पे रखूँ अगर तो बैटरी पे उतने वाइब्रेशन नहीं है, हल्के वाइब्रेशन बैटरी पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पे रखूँ, ये देखिए आपको यहाँ पर रख के दिखाऊँ, तो यहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन उतनी सी आपको नहीं मिलेगी। और अगेन मैं यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि अगर इंजन अभी नॉर्मल टाइम में आ गया होगा, RPM नॉर्मल हो गया, तब भी आप इतने वाइब्रेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये देखिए पानी से आपको पता चल रहा होगा। बंद करो अभी। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक बटन दूसरे बटन से स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी अभी आइडियल कंडीशन में है, देख सकते हैं। बात करूँ गाड़ी की अंदर की वाइब्रेशन की, तो ये देखिए कितने कम वाइब्रेशन आपको अंदर यहाँ फेस करने के ऊपर है। स्टेयरिंग के ऊपर भी आपको कुछ हल्की सी वाइब्रेशन रही है, और यहाँ डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं वाइब्रेशन। और यहाँ बात करें गियर नॉब पे, तो गियर नॉब पे भी आपको हल्के से देखने को मिलेगी। देखिए पानी में हल्की सी कंपन सी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ अंदर में इतनी सी वाइब्रेशन मिलेगी, बाकी आपको बाहर वाइब्रेशन मिल जाते हैं गाड़ी में अच्छी खासी BS6 मॉडल में। और बात करूँ यहाँ ग्लास होल्डर में, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको हल्के सी कंपन मिलेगी, एकदम नॉमिनल सी, लेकिन कंपन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। देखिए इस तरीके से पानी कैसे वाइब्रेट कर रही है। तो यही थे, अब आपको मैं बताऊँ एक गाड़ी के बाहर की। देखिए मैं फिर से आपको दोबारा गाड़ी को ऑफ किया हूँ और फिर से स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ सामने से आपको एक व्यू दिखा दे रहा हूँ कि देखिए स्टार्ट होते हुए ये कैसी वाइब्रेट करती है। तो देखिए अब स्टार्ट हो रही है गाड़ी, तो ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, हल्की सी गाड़ी में जर्क और कंपन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देखिए कैसे पानी वाइब्रेट कर रहा है, तो आपको मैं दिखा दिया। अब इस बारी मैंने कोई ग्लास व्लास नहीं पकड़ रखा है, तो आपको हल्की सी कंपन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, वाइब्रेशन काफ़ी कम है अंदर में। और ये देखिए गाड़ी अभी भी ऑन है, ये नहीं कि गाड़ी ऑफ हो गई है। और यहाँ इसके छत पर अगर ग्लास रखूँ तो छत पर आपको वाइब्रेशन फील हो रही होगी, हल्की सी है यहाँ छत पे भी वाइब्रेशन, ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि ज़्यादा है, हल्की सी है एकदम, जो कि उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप देख लो यहाँ छत पे कुछ इस तरीके के कितने वाइब्रेशन आपको मिलते हैं टाटा अल्ट्रोज में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो चीज़। और ये पेट्रोल वर्जन है, डीजल नहीं है। तो अब आ जाइए पीछे, यहाँ पे देखिए पार्सल ट्रे है, उस पर आपको वाइब्रेशन दिखाऊँ, तो कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर वाइब्रेशन देखने को मिल जाते हैं।
ये आप देख रहे होंगे पानी कैसे वाइब्रेट कर रही है। ये पार्सल ट्रे है, ये हैचबैक गाड़ी तो उसमें पार्सल ट्रे मिलता है, तो मैंने चेक किया। और बाकी इसके इस साइड में पार्सल ट्रे पर अगर रख के दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको हल्के से दिख रहे होंगे पानी वाइब्रेट करते हुए। ये देखिए आप पानी वाइब्रेट करते हुए देख रहे हैं, मैं कोई इसे छू भी नहीं रहा हूँ। और बात करूँ यहाँ पे इसके टेल गेट के पास रखने की, तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको हल्की सी वाइब्रेशन पीछे तक इसमें आपको फील होगी। ये देखिए पानी कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की वाइब्रेशन आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू। और ये अभी मैं आपको यहाँ पे फिर से ग्लास रख के और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि ग्लास गिर रही है कि नहीं और कितने वाइब्रेशन आपको मिल रहे हैं, ग्लास में कितने कंपन और जर्क आ रही है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहें, देखिए। तो ये देखिए कुछ गाड़ी इस तरीके से, गाड़ी तो मैंने दोबारा स्टार्ट कराया है, ये देखिए स्टार्ट हो रही है और गाड़ी में आप कंपन देख सकते हैं। ये देखिए अभी तो मैंने कोई भी ग्लास को टच वगैरह नहीं कर रखा है। ये देखिए पानी कैसे आप वाइब्रेट कर रही है। और इस साइड से मैं फिर से आपको स्टार्ट करके दिखा, तो देखिए गाड़ी स्टार्ट होगी, अभी आपको ग्लास हिलती हुई दिख जाएगी। देखिए मैं गाड़ी फिर से स्टार्ट कराऊँ, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हुई और ये जर्क इसमें आने लगी और कंपन